ऑनरेबल गवर्नर साहब, परम पूज्य स्वामी धर्म बंधु जी और प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि जिस देश का अपना कोई वजूद नहीं रहता वो देश नहीं रहता, वो देश रह नहीं सकता जिसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। और जैसे मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों ने अपने 250 साल में हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया। उन्होंने शायद हमारे मंदिर नहीं तोड़े, हमारी मस्जिदें नहीं तोड़ी, लेकिन उन्होंने हमारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करी। द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की सोच को खत्म करने की कोशिश करी और हमारा जो इतिहास था उसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1857 की विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो यही देश, इसकी अलग अलग जातियां, इसके अलग अलग लोग, वो सब इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए इन फिरंगियों के खिलाफ, इनको उखाड़ फेंकने के लिए। क्योंकि औरों से ज्यादा और जो भी लोग बाहर से आए वो भारतवर्ष में रल मिल गए, वो यही ठहर गए, यही सेटल हो गए, और उसके बाद वो भी अपने आप को हिंदुस्तानी कहने लगे और हिंदुस्तानी बन गए। अकबर ने बोला कि मैं भी हिंदुस्तान का हूं, मैं कहीं वापस उज़्बेकिस्तान नहीं जाऊंगा। लेकिन ये केवल अंग्रेज थे, ये केवल और केवल अंग्रेज थे जो कि कभी अपने आप को हिंदुस्तान वाला नहीं समझा, और उन्होंने बड़ी ही आपकी तरफ हीनता से देखा कि ये तो गिरे हुए लोग हैं। और उस वक्त एक शब्द का इजाद किया गया, देसी। जो चीज देशी है वो बेकार है, वो हीन है, वो गिरी हुई है, और जो चीज विलायती है वो बड़ी अच्छी है। अफसोस की बात ये है कि अब भी वो अंग्रेज चले गए, वो अंग्रेजियत नहीं गई, उनका लिखा इतिहास नहीं गया। और आज मैं आपको उस इतिहास से अवगत करना चाहूंगा। हमारे देश का नाम क्या है बताइए? भारतवर्ष। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने इंडिया नहीं बोला और आपने हिंदुस्तान भी नहीं बोला। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, जो हमारे देश की संस्कृति है वो हमने कार्बन डेट किया है। जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता मानी जाती थी, सिंधु घाटी, द इंडस रिवर। जब ग्रीक यवन इन्वेडर्स यहां पे आए अलेक्जेंडर के, तब तक जो सरस्वती नदी थी वह सूख चुकी थी, वो सरस्वती नदी सूख चुकी थी, और केवल जो ग्रीक्स थे उन्होंने केवल और केवल इंडस घाटी देखी और इंडस नदी देखी। तो उन्होंने बोला इंडस, इंडिका, इंडिया, उससे हमारा नाम इंडिया पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां भी आप जाते हैं, इंडिया, इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। माफ कीजिए, ये नाम ही गलत है। अगर आपका नाम ही स्कूल में गलत दर्ज हुआ तो आपकी तो पहचान पहले से वहीं खत्म हो गई। जब अरब आए 7वीं सदी में, अरब के लोग हमलावर बन के, तो उन्होंने भी केवल इंडस नदी देखी, क्योंकि तब तक ये सरस्वती सूख चुकी थी। तब तक ये सरस्वती जैसलमेर के आगे विनाशना जगह है, जहां ये गायब हो चुकी थी, ठीक है। और उन्होंने बोला सिंधु, क्योंकि वो स नहीं बोल सकते, वो स का ह बोलते हैं, तो उन्होंने स से हिंदू कर दिया, सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान। मैं अब आपको उस सरस्वती नदी के बारे में बताऊंगा, जहां लोग कहा करते थे ये तो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, ये तो सिर्फ एक कहानी है। जब भी आप प्रयागराज जाते हैं तो आपको जो मल्लाह वो लेके जाता है वहां नदी के बीच में,
और कहता है साहब ये है गंगा, ये है यमुना और ये सरस्वती अदृश्य हो गई, तो लोग सोचते थे ये शायद सिर्फ एक किंवदंती है, लोग सोचते थे सिर्फ ये एक कहानी है। लेकिन साहब ये कहानी नहीं, ये असलियत है, ये असलियत है। जब भी कोई हिंदू मरता है तो उसकी अस्थियां विसर्जन होती हैं हरिद्वार में, और पिंडदान कहां किया जाता है? कुरुक्षेत्र में। आप बोले साहब कुरुक्षेत्र में क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी, सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और पूरे उत्तर भारत से होते हुए ये नदी जो थी ये गुजरात में रण ऑफ कच्छ जहां पे है वहां जाके समुद्र में मिलती थी। ठीक है साहब, ये हमारी ओरल ट्रेडिशन में इसको जिंदा रखा गया, हमारी ओरल ट्रेडिशन में इस नदी को जिंदा रखा गया, क्योंकि ये बहुत 4700 साल पहले बड़े झटके से भूकंप हो गई थी। आज मैं आपको इस नदी की कहानी सुनाऊंगा, जो कि हमारी जिंदगानी की कहानी, जो कि हमारी सभ्यता की कहानी। ऋग्वेद में 72 श्लोक हैं, ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद में 72 श्लोक हैं सरस्वती नदी के बारे में, और जो सबसे सुंदर श्लोक है वो सरस्वती को कहता है नदीतमा अनुत्तमा देवीतमा। नदीतमा मीन नदियों में सबसे उत्तम नदी, नदीतमा सरस्वती, माताओं में सबसे उत्तम माता अनुत्तमा, और देवियों में सबसे उत्तम देवी विद्या की देवी, संस्कृति की देवी सरस्वती देवी है। देवीतमा, देवी और उत्तम की ये संधि है, देवीतमा, इस तरह उसने बोला। और फिर उन्होंने कहा कि ये गरजती हुई देव नदी, ये महान नदी है, हे मां हम पे कुपित मत हो, हमारे घरों को विनाश मत करो, हमारा विनाश मत करो। मतलब इतनी भारी नदी थी कि जब बाढ़ आती थी तो आसपास सब खत्म हो जाता था। एक श्लोक ऋग्वेद का कहता है जिस तरह एक हाथी, सुनो ध्यान से, जिस तरह एक हाथी जो है एक कमल के फूल को उखाड़ लेता है सरोवर से, उस तरह ये नदी पहाड़ों की चोटियां तोड़ डालती है, उखाड़ देती है अपने रास्ते में, इतनी बड़ी नदी ये है। तो सब ये लोग कहते थे कि ये झूठ, कि ये फरेब है, ये हिंदुस्तानियों ये अफीमची है, ये अफीम खा के सपने लेते रहते हैं, ऐसी कोई नदी कभी थी ही नहीं। तो साहब ये झूठ इन्होंने यहां से शुरू किया, इंदस घाटी बोला। लेकिन आज मैं आपके सामने आपको आपकी पहचान वापस देना चाहता हूं, मैं आपको वो साइंटिफिक प्रूफ दिखाना चाहता हूं जो दिखाते हैं कि सरस्वती मात्र एक कल्पना नहीं, एक वास्तविक नदी थी, 3600 किलोमीटर लंबी, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है वहां से निकलकर ये नदी ये पूरी समुद्र तक जाती थी, इसका पाठ 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा था, इसका पाठ 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा था। और ये पटियाला के पास, पटियाला के उत्तर में यमुना नदी इसमें मिलती थी और सतलज नदी इसमें मिलती थी और बर्फ का पानी इसमें लेकर आती थी। जरा कुछ तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए ये नदी की तस्वीर, जो सैटेलाइट्स ने इसका कोर्स पकड़ा है ये है वो कोर्स, देखिए इसको। अगला, आगे चलिए, आगे चलिए, फोटोज पे आइए, फोटोज पे आइए, फोटोज पे आइए, ये सैटेलाइट इमेजरी है। सन 1970 में
अमेरिकन ने लैंडसैट सैटेलाइट भेजा था ऊपर, और इस सैटेलाइट ने पहली बार हमको फोटोज भेजी इस नदी सरस्वती की, जिसका वर्णन हमारे ऋग्वेद में है। एक बार नहीं, 72 बार, 72 बार पूछते थे इस नदी को। अगला दिखाइए, आगे ये देखिए, ये वो सैटेलाइट फोटो से रिकंस्ट्रक्ट किया है। आप देख रहे हैं वो यमुना नदी भी इससे मिल रही है, और जो सतलज जो इसमें जुड़ती थी वो मानसरोवर झील में तिब्बत से ऐसे होके आ रही है। पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई पंजाब के, ये पाकिस्तान के इलाके में जाती थी, जिसे घग्गर हाकरा, हाकरा का इलाका बोला जाता है, फोर्ट अब्बास जहां पे है। फिर दोबारा राजस्थान में, भारत में आती थी, और फिर आप देख रहे हैं राणा कच्छ में जाके ये समुद्र में मिल जाती थी। ये गंगा से बड़ी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र से बड़ी नदी है। और ये जो राजस्थान आज सूखा है, जो रण ऑफ कच्छ आज सूखा हुआ है, कभी यहाँ जंगल होते थे, यहाँ पे गैंडे होते थे, राइनोसॉर्स जो है सींग वाले वो यहाँ घूमते थे, इस प्रकार के जानवर टाइगर यहाँ होते थे। ठीक है, जो शेर हैं वो सूखे इलाकों में पाए जाते हैं, जो टाइगर है स्ट्राइप वाला वो जंगलों में पाया जाता है। आज यहाँ पूरा सूख गया है, और जब से ये नदी गई, सुन लो, जब से ये नदी गई तुम्हारे भाग्य का पतन हो गया। इस नदी जब ये बहती थी, और आर्य इस नदी के ऊपर बैठे यहां रहते थे, उन्होंने ईरान पे कब्जा किया था, अफगानिस्तान उनका था, बलूचिस्तान उनका था, अब समझ रहे हैं। और ये सभ्यता जब से नष्ट हुई है, हमारा भी जो है बेड़ा गर्क हो चुका है। और जब ये नदी अब दोबारा बहने वाली है, सुनना, मैं तुमको कहानी इस नदी की सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, जब ये नदी दोबारा बहने वाली है, तुम्हारा भाग्य फिर से उदय हो रहा है। सबसे पहले मेरे बच्चों, सबसे पहले सुनो, ये नदी बहेगी विद्या के रूप में, क्योंकि ये सरस्वती है। आज साक्षरता हमारी 70% हो गई है। आज हम लोग अंगूठा छाप नहीं है, बहुत कम लोग रह गए हैं बेचारे जो पढ़ नहीं सकते। तकरीबन 70% साक्षरता हो गई है, जब 12% नहीं थी आजादी के टाइम के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये नदी हमारे स्कूलों, हमारे कॉलेजेस और हमारे दिमागों में बहेगी, ठीक है। लेकिन इस नदी को खुशखबरी ये है कि अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इसको दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बहाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ग्राउंड पे होके आ चुका हूं जैसलमेर में, जहां ये नदी गायब हुई, ठीक है, उसके वहां पे एक जगह का नाम है विनाशना, जहां नदी का विनाश हो गया, वो नीचे जमीन के चली गई। पिछले साल मैं वहां गया था, हमारे आर्मी के इंजीनियर, हमारे CPWD के इंजीनियर वहां ट्यूबवेल लगा रहे हैं। 60 मीटर पे हजारों टन मीठा पानी निकल रहा है इस नदी का, हजारों टन। और जहां जहां सैटेलाइट पे उन्होंने उसको फॉलो किया है, उसके कोर्स को, वहां से मीठा पानी निकल रहा है जो इस रेगिस्तान को फिर हरा कर सकता है, फिर हरा कर सकता है। ये बड़ी चीज है। और जो इंदिरा गांधी कैनाल बनी है, ज्यादातर अलाइनमेंट फॉलो करी है सरस्वती की, आप जानते हैं। और ये अगर कहानी होती तो असली पानी नहीं आता। अगर अंग्रेज बोले जो कह गए, यू नो, यहाँ इस देश में आदत है साली कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सुना है वो नाटक आपने हमारी पिक्चरों में, हम अंग्रेजों के जमानों के जेलर, मतलब जो अंग्रेज थे वो सब अच्छा था, जब से वो गए हमारा बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क नहीं, उन लोगों ने हमारा महान महान बेवकूफ बनाया था। हम पे राज करने के लिए, हम पे तोड़ने के लिए उन्होंने एक कहानी बनाई कि आर्य जो भारत, उत्तर भारत के रहने वाले हैं, ये बाहर से आए, ये सेंट्रल एशिया से आए, ये तुर्किस्तान के एनातोलिया के इलाके से आए, या फिर ये रूस के इलाके से आए, ये आर्य बाहर से आए, ये
हमलावर है, ये इन्वेडर है, यानी कि आप और मैं हमलावर है इस देश के, तो है ही नहीं साहब। तो बोले साहब ये क्यों उन्होंने कहानी शुरू करी, चोर चोर मुसेरे भाई, हम हमलावर हैं, हम बाहर से आए, आके हमने राजपाट किया, तुम भी तो बाहर से आए थे, यही दर्शाने के लिए उन्होंने पूरा इतिहास तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया। और आज दुख की बात यह है कि अंग्रेजों को गए 73 साल हो गए, 73 साल हो गए अंग्रेजों को गए, लेकिन अभी भी जो अंग्रेज कह गए, जैसे कि बोले ना रामचंद्र कह गए सिया से, है ना, जैसे कि वो लकीर पत्थर की लकीर है साहब, और हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन, हमारे वामपंथी इतिहासकार, सबसे बड़े चाटुखोर, सबसे बड़े चमचे अंग्रेजों के यहाँ छोड़ गए हैं ये देखने के लिए कि तुम अंग्रेजों का कहा, अरे तुम भूरे लोगों, तुम वो श्वेत गोरों का कहा, एक शब्द बदली नहीं कर सकते। अरे साहब हम असलियत पे जाएंगे, हमारे साइंटिस्ट 30% नासा के, ठीक है, हमारे टॉप डॉक्टर्स, हमारे जेनेटिस्ट वो अमेरिका में जाके रिसर्च इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं। अब इतना सारा साइंटिफिक एविडेंस, इतना सारा एम्पिरिकल एविडेंस आ चुका है जो कि साफ बताता है कि जो अंग्रेज कह रहे थे वो सरासर सफेद झूठ। दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी साल, इसी वर्ष, ये वर्ष खत्म नहीं हुआ, अगस्त के महीने में हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेमिनार कराया था, हम इसरो के स्पेस साइंटिस्ट लाए, और इस बार स्वामी जी जब इसरो के आते हैं लोग, मेरी विनती है आपसे कि आप उनको बोले कि वो सैटेलाइट इमेजरी फोटोज लाके बच्चों को दिखाएं सरस्वती की, जो कि IRS सैटेलाइट 1C 1D, इन सब ने फोटो हिमालय से लेकर रण ऑफ कच्छ तक ये खींचा हुआ है, पूरा कोर्स मैप आउट कर दिया। तो हमने इसरो के साइंटिस्ट बुलाए, फिर हमने आर्कियोलॉजिस्ट, हमने जियोलॉजिस्ट बुलाए, भूगोल शास्त्री जिन्होंने हमें समझाया कि इस नदी को हुआ क्या था, इस नदी को हुआ क्या था, ठीक है। और उसके बाद हमने बुलाए आर्कियोलॉजिस्ट जो कि अवशेष जो हैं पुरानी सिविलाइजेशंस के, उसको जिन्होंने अनुसंधान किया है, सो कॉल्ड सिंधु घाटी, और आजकल वो साफ कह रहे हैं कि ये सिंधु सभ्यता नहीं, इंडस सिविलाइजेशन नहीं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थी, क्योंकि 80% जो सेटलमेंट्स हैं वो सिंधु के कोर्स पे नहीं मिली, वो सरस्वती के मार्ग पे मिली है 80%। मैं आपको अभी फोटोज दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। आगे चलो बेटा, ये देखिए एक और सैटेलाइट फोटो, ये जो घग्गर हाकरा नदी जो बोली जा रही है, जो दिखाई है, ये सिंधु का कोर्स था, ये सर माफ कीजिए, ये सरस्वती का कोर्स आप देख रहे हैं ना दक्षिण में, जहां लिखा हुआ है घग्गर हाकरा पेलियो चैनल, और एक सफेद एरो बनी हुई है। बेटा ऊपर सतलज जा रही है लुधियाना के ऊपर, ठीक है, वो सतलज गई और उसके साथ रावी और चिनाब, और ये जाके सिंधु में मिल रहे हैं। ये सतलज पहले घग्गर हाकरा में पटियाला के ऊपर मिलती थी, मैं ग्राउंड पे गया हूँ, आर्मी के नक्शे जाकर मैंने देखा है ये चीज को, ठीक है साहब। अगला दिखाइए, आगे चलते जाइए, हाँ ये देखिए साहब। तो फिर आप बोलेंगे साहब अगर इतनी बड़ी नदी थी तो इसको हुआ क्या, क्या हुआ इस विशाल नदी को, कहाँ लुप्त कहाँ हो गई, कहाँ धूप में सूख गई, क्या हुआ क्या साहब, इतनी विशाल नदी गायब थोड़ी ना हो सकती, आप झूठ बोल रहे हैं लोग, ये वामपंथी इतिहासकार बोलते हैं। जरा इस फोटो को देखिए, ये जो काली जो आपको टॉप में दिखाई दे रही है पहाड़ों की श्रृंखला, वो शिवालिक की श्रृंखला है, ठीक है साहब। आज से 4700 साल पहले एक बड़ा भारी भूकंप आया उत्तर भारत में, और ऐसे झटके में उसने शिवालिक को देखो ये 2 मिनट तोड़ दिया, ये देख रहे हैं आपको। तो जो यमुना थी पहले, इससे होके ये दक्षिण में जाके ये सरस्वती से मिला करती थी, अब जब ये फॉल्ट लाइन आ गई तो यमुना को आसान रास्ता मिला, और यहां से आके वो दिल्ली के पास, ये जो प्रयाग के पास जाके, इट वॉज कैप्चर्ड बाई द
गंगा, मतलब कि इसको कहते हैं रिवर कैप्चर, ये वहां पे हुआ। और ये उसका देखिए वो जो लाइन बनी है उसको शेयर फॉल्ट बोलते हैं, जैसे कि ऐसे करके तोड़ा जाता है ना, वो झटके ने तोड़ दिया शिवालिक, और ये यमुना नदी ये जाके मिल गई गंगा जी, ठीक है। और आधा जो पानी बर्फ का आता था, जिससे ये पेरिनियल रिवर था, बारह माह बहने वाला नदी थी, ये इसका पानी आधा घट गया 2600। इसको अगला दिखाई, अगला, हाँ ये देखो बेटा, उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप देखेंगे यमुना की तीन धाराएं इस फोटो के जो है एक कोने में आपको देख रहे हैं, Y1, Y2, Y3। देखिए जरा ये फोटो को ध्यान से देखिए, Y1 चैनल है जो सीधा कुरुक्षेत्र के नीचे ये यमुना सरस्वती में मिल रही है, और दृषादवती नदी से मिलती थी। अगर आप महाभारत का श्लोक पढ़ें, पहला ओपनिंग वाला, तो वो डिस्क्राइब करता है कि कुरुक्षेत्र का रणभूमि थी कहां, तो बोले ऊपर में सरस्वती, नीचे में दृषादवती। वो दृषादवती उस वक्त यमुना को कहा जाता था, उसकी वो ब्रांच को जो जाके सरस्वती में मिलती थी, ठीक है। तो फिर वो Y2 हुई, और फिर Y3 जो कि अभी की चैनल है, जो कि गंगा जी में जाके मिल रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये नदी 2600 साल पहले, 4700 साल पहला झटका आया, 2600 साल पे दूसरा बड़ा झटका आया, और इस बार जो सतलज थी वो जाके टर्न हो गई वेस्ट की तरफ, और वो सिंधु घाटी में जाकर मिल गई, सिंधु नदी में जाकर मिल गई। जैसलमेर के पास ये है विनाशनगर, जहां ये नदी अंडरग्राउंड हो गई, और अभी भी वहां जाके जहां भी नदी का पार्ट वो जो सैटेलाइट ने पकड़ा है, अगर आप उसके 1 किलोमीटर दाएं या बाएं जाएं, आपको सिर्फ खारा पानी मिलेगा, सिर्फ खारा पानी मिलेगा। लेकिन अगर आप वो नदी के पार्ट के साथ साथ ट्यूबवेल लगाए, लाखों लीटर मीठा पानी नीचे बह रही है ये नदी। तो अगर वो मल्लाह तुम्हें कह रहा था, क्योंकि ये है परंपरा, बाप से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, उन्होंने इसकी परंपरा को जीवित रखा, क्योंकि हम इन नदियों को पूजते हैं, गंगा को, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती। और जैसे बोलते हैं ना, यथा अंडे तथा पिंडे, जो त्रिवेणी हम इस भूमि पर देखते हैं, वही हमारे अंदर भी है, इडा पिंगल सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती। ये देखिए, यथा अंडे तथा पिंडे, बहुत गहरा चीज है, लेकिन मैं फिर भी छोड़ रहा हूं हमारे बच्चों को, शायद कुछ सालों बाद अगर वो योग की तरफ जाएं तब समझ आएगा, ठीक है साहब। ये नदी वहां पे गायब हो गई, अब इसका मीठा पानी निकाल के हम रेगिस्तान को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पानी का त्रास है हर जगह, यहां से ये सरस्वती पानी देगी, ये सरस्वती उगलेगी पानी, मीठा पानी, जिससे रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। 60, ये देखिए, ये एक और सैटेलाइट फोटोग्राफ है, और जो डॉट्स हैं, जो कि बैंगनी रंग में डॉट्स हैं, वो सिंधु घाटी की सभ्यता के गांव और शहर है। हर एक डॉट एक शहर को जाहिर करता है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, इंदस नदी के साथ कितने कम डॉट्स हैं, और ये देखिए सरस्वती, दिल्ली कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है भरा हुआ है, ये केंद्र है आपकी भारत का, ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में भरत राजवंश राज किया करता था, मैक्सिमम डेंसिटी सेटलमेंट की, सो कॉल्ड इंदस वैली सिविलाइजेशन की सेटलमेंट ये कुरुक्षेत्र के इलाके के आसपास है, और दूसरा इलाका जो अब पाकिस्तान में चला गया, जिसे घग्गर हाकरा का इलाका बोला जाता है, फोर्ट अब्बास का इलाका बोला जाता है, वहां पे गया, और बाकी दक्षिण में है कॉन्सेंट्रेशन। और जो सिंधु घाटी के साथ है, जो इन्होंने पहली खोदी थी 1930 में मोहनजोदारो, अरे साहब वो तो बोले ना आउटलाइन सेटलमेंट थी, देवर दी आउटलाइन सेटलमेंट, असली मदर रिवर
क्रेडल रिवर इस सभ्यता का सिंधु नहीं सरस्वती है। प्लीज ये समझिए, सिंधु नहीं सरस्वती है। तुम्हारा नाम ही गलत रखा गया है, ना सिंधु से हिंदू, ना इंदस से इंडिया इंडिका। आप भारत वर्ष हो, आप भारत वर्ष हो जिसकी आधार नदी गंगा यमुना भी नहीं सरस्वती थी। और मैंने बताया कि 4600 साल पहला झटका, 2700 साल दूसरा झटका, और ये सतलज और यमुना इससे अलग हो गई। जो बर्फ का पिघला पानी आता था वो खत्म हो गया, ये मॉनसूनल नदी बन गई। और अगर आप महाभारत पढ़े, शांति पर्व पढ़िए, शांति पर्व पढ़िए, उसमें बताया है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बलराम श्री कृष्ण से बहुत नाराज हो गए। वो यहां थे गुजरात में, ठीक है, वो बहुत नाराज हो गए कि तुमने यही रुद्ध रोका नहीं, मैं इस युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। और वो सरस्वती नदी के साथ साथ एक तीर्थ यात्रा पे निकल गए। मालूम ये इस तीर्थ यात्रा का वर्णन महाभारत में है। और जब वो जैसलमेर पहुंचे तो देखा ये नदी तो बिल्कुल सूख के लुप्त हो चुकी थी। विनाशना का नाम महाभारत में है, ये झूठ फरेब नहीं है आपके ग्रंथ, आपके स्क्रिप्चर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो सैटेलाइट बता रहे हैं, वो वैज्ञानिक अनुसंधान साबित कर रहा है। तो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश की तरह हमको खुद रिसर्च करनी चाहिए कि मैक्स मुलर कह गया तो वो खुदा था और उसका एक शब्द नहीं बदली किया जा सकता। हमारे लिए वो वेद बन गए, कुरान बन गए, ये सब बकवास, ये एविडेंस में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। यही एक और उसको जाहिर किया है, आप देखिए इंदस घाटी पे नहीं है। ये जो क्लस्टर है सेटलमेंट के, वो तमाम के तमाम सरस्वती नदी के पार्ट पे है। नेक्स्ट प्लीज, आगे, नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हाँ, यहां पे जो सिंधु घाटी की लिपि थी उसका अभी तक अनुवाद नहीं हो पाया है, लेकिन सिंधु घाटी में, और बड़े ध्यान से देखो बेटा ये तस्वीर, और खासकर हमारी बेटियां बहुत ध्यान से देखें, सिंधु घाटी में हमें छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने टेराकोटा के, यानी मट्टी जिसको की फायर किया जाता है, वो मिले हैं। ब्रॉन्ज की डॉल्स मिली हैं और बहुत सारी ऐसे खिलौने मिले हैं बच्चों के जो कि मट्टी के बनाए हुए थे, टेराकोटा की फिगराइन और डॉल्स। ये दो औरतों के वहां के छोटी मूर्तियां हैं। आप जरा जो लाल वाला है दाहिने उसको देखें ध्यान से, आपको मांग में सिंदूर दिख रहा है। और ये फोटो थोड़ी खराब हो गई है, माथे पे बिंदी भी थी। आज भी भारत की शादीशुदा औरतें अपनी मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी लगाती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। This is older than 5000 years. चली आ रही है ये सभ्यता, बह रही है वो सरस्वती आपकी और मेरी रगों में, हमारी नसों में वही सरस्वती है। This is how old your civilization is. अगला दिखाइए, ये एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है, बड़ी मशहूर मूर्ति सिंधु घाटी की। उसकी बांह पे मेरी बेटियां खासकर देख रही हैं, वो चूड़ियां देख रही हैं, पूरी बांह यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है। और दाहिने की फोटो देखो जो गुजरात की अभी की फोटो है, 5000 साल, और ये वही चीज चली आ रही है, वही परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप समझ गए ये क्या है, ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं, क्या कर रही हैं ये मूर्तियां, योग आसन में बैठी हैं ये मूर्तियां, अंजलि मुद्रा में है। हाँ, ये वहां देखिए तो आपका सिद्ध आसन है, पद्मासन है, हाँ, बहुत सारे आसन आपको यहाँ दिखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये उरी की ड्राइंग है, अब देखिए बिल्कुल क्लियर है ये मूर्तियां, वज्रासन आपको दिख रहा है ऊपर नंबर 3,
ठीक है, वज्रासन और अंजलि मुद्रा कंबाइंड है, ये सारे योग क्या चीज कैरेक्टराइज करती है भारतीय इंडिक सिविलाइजेशन को? योगा और ध्यान, योगा और ध्यान। और ये योग ये कोई अभी नहीं बना, ये 5000 साल से भी पुराना परंपरा है। और मैं इसकी असली एज आपको अभी समझाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये क्या कर रहे हैं ये सज्जन? ये भी सो कॉल्ड इंदस घाटी से है। अंग्रेजों से पूछा तो बोला ये कई आप लोग जैसे बच्चे सो रहे हैं इस वक्त, ये भी सो रहे हैं, ये सो नहीं रहा, ये ध्यान मुद्रा में, ये ध्यान मुद्रा में ये ध्यान कर रहा है। नहीं बोले नहीं साहब ये तो इट इज एम्बिगुअस। अंग्रेज जो थे, नहीं नहीं साहब ध्यान कहां होता था उस टाइम, ये तो एम्बिगुअस है। तो जरा अगला देख लीजिए साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो इस मूर्ति में है ये पशुपति नाथ की तस्वीर है। इसके चारों तरफ पशु है। किसे कहा जाता है पशुपति नाथ बताइए? पशुपति नाथ किसे बोलते हैं? ना एक पीछे जाइए, पीछे जाइए। शिव को बोलते हैं पशुपति नाथ। आदि योगी, आदि योगी क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है, पद्मासन में बैठ के ध्यान कर रहा है। उसके चारों तरफ पशु उसकी वंदना कर रहे हैं, ठीक है साहब। और उन पशुओं में आपको आपको एक जो गैंडा है वो भी दिखाई देगा, हाथी दिखाई देगा, बैल दिखाई देगा, हाँ ये सब वहां पे है। और ये पशुपतिनाथ शिवा, यहाँ शिव के मंदिर आज है कि नहीं है, है कि नहीं? और ये सिंधु घाटी, सो कॉल्ड सिंधु घाटी, सरस्वती घाटी सभ्यता से तब से आज तक चले आ रहे हैं। और दिखाइए नेक्स्ट। अभी भी डाउट है तो आप जरा नेशनल म्यूजियम जाइए, वो जो पहली जो तस्वीर है वो किसकी है? शिवलिंग की तस्वीर है वो। कोई शक है किसी को? अगर कोई इतना सा भी डाउट हो कि ये तस्वीर किसकी है तो साहब ये शिवलिंग है। एक नहीं तीन चार मिले हैं जो कि नेशनल म्यूजियम में पड़े हैं, आपको सिर्फ जाके एक छोटी टिकट खरीद के उसको देखना है। और जो दाहिनी साइड जो सील है उस पे जो पत्ते टॉप पे हैं, जरा बेटा पहचानो ये कौन से पत्ते हैं बताओ? पीपल का पेड़ देखा है तुमने? दिखाई दिए पत्ते पीपल के? अभी भी पीपल का पेड़ पूजा जाता है, लाल डोरी धागा मौली उसके चारों तरफ बांधी जाती है, तब भी पूजा जाता। नेक्स्ट, ये देखिए बैलगाड़ी, इसका उन्होंने नाप लिया, ये खिलौना है बैलगाड़ी का, इसका नाप लिया, इसका हूबहू वही प्रपोर्शन है जो कि हमारे गांव में बैलगाड़ी आज चलती है। ये वही डिजाइन तब से 5000 साल लगातार चला आ रहा है। आगे चलिए, ये किश्ती देखिए, ये किश्ती आपके कोस्टल एरिया गुजरात की है। ये किश्ती आज भी ऐसी किश्तियां चलती हमारे मछुआरे चलाते हैं। और वो सील पे किश्ती देखिए और जरा दोनों शेप्स को मिलाइए, कोई शक है आपको? ये वही डिजाइन है जो आज भी चल रहा है और आज से 5000 साल पहले भी इसी शेप की किश्तियां इस देश में चलती थी। नेक्स्ट प्लीज। ये क्या है बताइए? यहां कितने बच्चे गांव से हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, कितने गांव से? ये क्या है, ये क्या है बोलो? नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा आप, बोलो ये क्या है? ये फट्टी है जिसपे बैठ के हम लिखते थे, याद है पुराने जमानों में इस पे लेप लगाते थे और इस पे या तो कोयले से या किसी और चीज से लिखा जाता था और फिर उसके ऊपर एक और लेप चढ़ाया जाता था। ये मिली है तब भी स्कूल थे, तब भी पाठशालाएं थी, और ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए ये मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी सरस्वती घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट प्लीज। ये बर्तन कितने सुंदर है और डिजाइन वही है जो आज भी बर्तन केवल स्टील और आप एल्युमिनियम के खरीद रहे हैं, ठीक है साहब? ये डिजाइन वही है
और जो डेकोरेशन वाजेज हैं आज भी मैं बड़े शान से अपने घर अपने ड्राइंग रूम में रख सकता हूं। नेक्स्ट प्लीज। और सबसे बड़ा एक देखिए, ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोम का वर्णन आता है। सोम क्या था? सोम, वो बोले सोम पीकर जो सिपाही थे उनका सब डर चले जाता, वो उत्साह से भर जाते थे और दुश्मन के सर काट काट के वो पटक देते थे। सोम पीकर हमारे ऋषि मुनि क्रिएटिव हो जाते थे, एक्सटेसी में आनंद में चले जाते थे और वो बड़ी अच्छी जो है कविताओं की रचना करते थे। तो एक जर्मन साइंटिस्ट है गॉर्डन वॉसन, उसने कहा है कि ये सोम एक खुम्ब थी, एक मशरूम थी जिसे अमानिता मुस्कारिया कहा जाता है और ये लाल थी, उसमें सफेद सफेद निशान होते हैं, ठीक है साहब। और सिंधु घाटी में इस तरह की मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर के दोनों ओर चारों ओर वो देखिए वो खुम्ब मची है, वही डॉट्स जो है वो दिखाई दे रही है, यानी वो भी इसको जानते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। और ये है देखिए वो खुम्ब, मैंने देखी हुई है, ये नीलगिरी में भी पाई जाती है, हिमालय में मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखो बेटा, देखी है किसी ने ये खुम्ब? पहाड़ में जाना पड़ेगा इसको ढूंढने के लिए, ठीक है। ये साइकोट्रोपिक है, इसको छूना मत, साइकोट्रोपिक है ये। ओके नेक्स्ट। ये देखिए, ये एयर फोटोग्राफ है मोहिंजोदाड़ो की, जैसे चेस बोर्ड होता है शतरंज का, वैसे ये है शतरंज। सिंधु घाटी से शुरू हुई थी शतरंज, चौपर जो कि वो खेला जाता था महाभारत में, सिंधु घाटी से शुरू हुआ। नेक्स्ट प्लीज। उस वक्त इतनी अच्छी नालियां थी, ड्रेन थी, ड्रेनेज सिस्टम था। आजकल मुंबई में, दिल्ली में एक बारिश होती है और पूरी झील बन जाती है सड़कें, एक बारिश होती है। वो कम से कम जाके सिंधु घाटी की इंजीनियरिंग देखते तो कभी ये सब नहीं होता। इतनी फाइन इंजीनियरिंग है वहां की, ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया है, वाटर स्टोरेज सिस्टम इतना बढ़िया है, तभी तो ये सभ्यता इतनी प्रखर थी, इतनी यू नो जो अपने एडवांसमेंट के शिखर के ऊपर थी। नेक्स्ट प्लीज। आप कहते हैं कि साहब वो आर्य थे, उनके पास रथ थे, घोड़े थे, जो सिंधु घाटी ये द्रविड़ लोगों की घाटी थी, उनको ना घोड़े का पता था, ना उनको रथों का पता था, इसलिए वो हार गए, उनको खदेड़ के दक्षिण भारत में कर दिया और इन्होंने राज्य छीन कर पूरे उत्तर भारत पे आर्यों ने राज किया। बकवास, ये खिलौना रथ का सिंधु घाटी में मिला है, ठीक है साहब। तो बोले हाँ साहब, बख्शी साहब वो तो ठीक है, लेकिन आगे घोड़े नहीं बैल, ठीक है साहब, देखिए आगे घोड़े नहीं बैल है, ये तो हो ही नहीं सकता रथ। अच्छा नेक्स्ट प्लीज, अगली दिखाइए। अभी हाल में आपके गाजियाबाद के पास जहां पे महाभारत में लक्ष्यगृह मिला था, ये पूरी की पूरी एक रथ वहां से मिला है जिसमें घोड़े जोते जाते। वो रथ की ड्राइंग उस आदमी के हाथ में है, 4000 साल पुराना है ये रथ। तो क्या हुआ उस बकवास का कि साहब आर्य बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से पार आए थे, हिमालय के पार उन्होंने अपने रथ लेके आए थे। भाई साहब मैंने हिमालय पे आधी से ज्यादा जिंदगी नौकरी की है, हमारे टैंक नहीं चढ़ सकते, हमारे टैंक नहीं चढ़ सकते, उनके ट्रैक शैक सब गिर जाएंगे। ये लकड़ी के रथ लेके आप पार आए हिमालय के हिंदू कुश के, बकवास क्या करते, बेवकूफ किसका बना रहे हैं। और जो भी झूठ था वो धीरे 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 हर रोज पकड़ा जा रहा विद साइंटिफिक एम्पेरिकल एविडेंस। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, आगे चल। ये देखिए, ये है भिराना का शहर, यहाँ पे कार्बन डेटिंग करी आईआईटी खड़गपुर के जो छात्र थे, कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 एक आइसोटोप है कार्बन की, उससे बिल्कुल नापा जा सकता है कि ये जगह कितनी पुरानी है। और वो जगह की उम्र साइंटिफिक टेस्टिंग से 9500 साल। कोई शक है आप किसी को?
मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शास्त्रों में लिखा है या किसी पंडित ने मेरे को बोला है, मैं कह रहा हूं आईआईटी के साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की, डबल चेक करने के लिए फ्लोराइड डेटिंग की, ट्रिपल चेक करने के लिए ल्यूमिनेसेंस डेटिंग करी, और ये जो गहरे के गहरे वहां के जो तल है बिराना, ये हरियाणा के अंदर है, और वहां पे जो मिली है अवशेष वो 9,500 साल पुराने हैं, 10,000 साल पुरानी है आपकी सभ्यता, 5,000 साल तो अंग्रेज बोल के गए, ये 10,000 साल पुरानी है एज एम्पेरिकली टेस्टेड प्रूवन बाय साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, आगे बैठे, आगे चलिए। और ये जो मूर्ति मिली है ये इसको बोलते हैं अंजलि मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, ये 10,000 साल के करीब पुरानी है साहब, 9,500 साल पुरानी ये अंजलि मुद्रा, ये नमस्कार मुद्रा। और आपके दाहिने ये जो नर्तकी है हमारी बेटी, ये भी उसी मुद्रा में है 9,500 साल के बाद। अब समझ रहे हैं आप कितने पुराने हैं, 9,500 साल के बाद भी वही है। अभी पंडित जी ने बोला था ये मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से, अरे कहां है रोम, कहां है इजिप्ट, कहां है मेसोपोटामिया, क्या वो वही है जो हजारों साल पहले थे? अरे साहब काया पलट हो गई है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कहां है रोम, वहां धर्म बदली हो गया, सब कुछ बदली हो गया, ये बिल्कुल वही धर्म, वही योगा, वही ध्यान, वही अंजलि मुद्रा और ये नमस्कार मुद्रा। ना सिर्फ हमारे देश में है, हमारे देशवासियों ने इसे तिब्बत, भूटान, इसे थाईलैंड, मलेशिया तक, इंडोनेशिया, बाली तक फैलाया है। ठीक है साहब, जापान में भी यही मुद्रा की जाती है, कोरिया में भी यही मुद्रा की जाती है, और हमारे देवी देवता सरस्वती की मूर्ति आपको जापान में मिलेगी। यहां तक फैलाया है हमने, विस्तार किया है इस सभ्यता को। तो ये पूरा आपको दिखाने का मेरा केवल और केवल एक ही मतलब था, अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, तुम कम से कम कार्बन डेटिंग के मुताबिक 9,500 साल पुरानी सभ्यता हो, विच इज लिविंग, विच इज अलाइव, जो जिंदा है, जो लगातार ये नदी बहती जा रही है हमारी सभ्यता की। कुछ है हम में, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा, तुम लोग मर गए हो बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा। हाँ अब ठीक हुआ। देखो बेटा, जो चीज अच्छी है उसका नाश नहीं होता, जो चीज व्हाट इज प्योर एंड्योर्स वो सदियों सदियों चलती है, जिसमें सड़ांध है वो सड़ जाएगी, मर जाएगी, लेकिन जो जीवित संस्कृति है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। कितने हमले नहीं हुए हम पर, कितने मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन फिर भी हम फिर उठ खड़े हुए, जितनी बार तुमने हमें जलाया हम फिर उठ खड़े हुए, और हम फिर उठ खड़े होंगे, और अब उठ खड़े हो गए हैं। अब जरा सोच के हाथ लगाना, अब जरा सोच के हाथ लगाना, क्योंकि इस बार हम लोग चुपचाप मुंह खो के सहेंगे नहीं, हम अहिंसा की बात नहीं करेंगे, हम जवाब में तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, जहां से हमला आएगा हम बचाव नहीं करेंगे पानीपत में, हम बाहर जाके तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी चीथड़े उड़ा देंगे। तुम समझ रहे हो, ये है नया भारत। मैं सिर्फ इन बच्चों को तुम्हारी पहचान बता रहा हूं कि तुम गर्व से बोलो हम हिंदुस्तानी हैं, आई एम एन इंडियन।
आजकल जब भी पासपोर्ट दिखाते हैं, पहले इंग्लैंड शिंग्लैंड में वो बड़े चैचे तंग करते थे कि आप सेटल होने आ रहे हैं। मैं गया वहां, इंग्लैंड जाना था मेरे को, सुबह 3 बजे फ्लाइट पहुंची तो वो बैठी हुई थी महिला, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, वेयर विल यू स्टे। मैंने कहा मैडम आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन दिस गॉड फॉर सेकंड फॉग रिडन आईलैंड, आई एम अ ब्रिगेडियर। तब मैं ब्रिगेडियर था, आई एम अ ब्रिगेडियर इन माई कंट्री एंड आई वॉन्ट टू गेट बैक एज फास्ट एज पॉसिबल, नाउ विल यू प्लीज स्टैम्प माई पासपोर्ट। मेरे को नहीं रहना तुम्हारी यहाँ, तुम्हारा स्वीपर नहीं बन रहा एडिनबरा में। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और आज जहां भी आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट दिखाएंगे लोग आपकी तरफ बड़ी इज्जत से देखेंगे, क्योंकि आईटी के टॉप एक्सपर्ट्स हमारे हैं, टॉप साइंटिस्ट हमारे हैं, टॉप डॉक्टर्स पूरी यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लैंड में हमारे हैं, क्योंकि हम में कुछ है हम में। तो ये बेटा हम पंजाब गए तो वहां हमें बोल रहे तुम कहां जा रहे हो, सुनो जरा ध्यान से, आप कहां जा रहे हो, कनाडा साहब। कनाडा में क्या है मेरे बाप, क्या है, ठंड के मारे बत्ती बंद है, 30-40 फुट बर्फ है, तेरे को बर्फ देखनी है सियाचिन में जाना, फौज में भर्ती हो जा, बर्फ ही बर्फ दिखाएंगे, 40 क्या 50 फुट बर्फ दिखाएंगे, क्या है वहां, क्या है जो यहाँ नहीं है, सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय, पर्वतराज हिमालय, सबसे बड़ी नदियां, सबसे घने जंगल, सबसे सूखे रेगिस्तान, क्या नहीं है तुम्हारे पास। और ये नश्वर नहीं है, इसका विनाश नहीं हुआ, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया विनाश करने का, कुछ नहीं कर सके तुम मर गए, हम हैं, एंड वी विल लास्ट यू, आउटलास्ट ईच वन ऑफ यू। और अब हमारे देश में वो ताकत है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए हैं, हमारे देश में वो ताकत है जो कहीं भी घुस के तुम्हारे पूरे के पूरे शहर जो है वो हम जो है भाप में उड़ा सकते हैं। अब तुम छू के देखो, ये तुम दुनिया को चुनौती के साथ बोलो और गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं और हम सरस्वती के पुत्र हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन एक बार मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आप बहुत ढीला बोलते हैं, मेरे बार एक बारी मेरे साथ फिर साथ बोलेंगे जय हिंद, एक अकेले की आवाज तुमसे ज्यादा है, एक बारी फिर से, तुम लोग नहीं खाते मक्खन, इतना मक्खन दिया जा रहा है स्वामी जी के लाते मक्खन तुमको, एक बारी फिर से जय हिंद। हाँ अब आवाज गूंजी।